दोस्तों ये है 2024 मॉडल मारुति सुजुकी नेक्सा सीरीज की आने वाली बलेनो। और ये जो बलेनो गाड़ी है भाई, ये AGS मॉडल है। और AGS में तीन वेरिएंट मिलते हैं, जैसे कि अल्फा, जेटा, डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा और जेटा फिर अल्फा आती है। और ये गाड़ी है मारुति सुजुकी नेक्सा शोरूम में कटारी ऑटोमोबाइल्स नवसारी गुजरात, बिल्कुल हाईवे रोड पर यहाँ पर सारी कारें खड़ी हैं। तो ये जो वेरियंट है ये डेल्टा है, और इसमें आपको मिलेगा एलॉय, देख सकते हैं आप, ये देखें एलॉय व्हील इसके अंदर मिलेगा। आगे आपको मिलेगा दो डिस्क ब्रेक और पीछे आपको मिलेगा दो ड्रम ब्रेक। ठीक है, बाकी डायमंड कट में एलॉय नहीं मिलेगी, सादी रहेगी सिल्वर कलर पे। अपोलो के टायर्स आपको मिल जाते हैं, 195/55 का टायर है और 16 इंच की व्हील दी गई है। ठीक है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और चलिए आप सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल न्यू शेप में बलेनो है ये 2024 मॉडल। सेंटर पे इसकी बैजिंग ग्रिल बिल्कुल न्यू शेप में यहाँ पर आ चुकी है, पहले वाली से बदल दी गई है। और ये आपका क्रोम रहता है, इस तरह से पूरा क्रोम वर्क मिलेगा। DRL यहाँ पर दिए गए हैं और ब्लिंकर्स यहाँ पर बल्ब पे, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलेगा यहाँ पे, ऊपर क्रोम मिल जाएगा। तो हेडलाइट जो है ये बिल्कुल न्यू शेप में है, और फोगलैम्प की जगह यहाँ दी गई है, आप चाहे तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, उसी के ऊपर क्रोम भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। अब जो बम्पर है ये देखिए, ये आपको बिल्कुल न्यू शेप में मिलेगा। ये देखिए बम्पर का जो शेप है ये बिल्कुल न्यू शेप में आपको मिलेगी। यहाँ पर भी लाइट आप देख सकते हैं, नई वाली लाइट यहाँ पर दी गई इस गाड़ी में, पूरा नया मॉडल का। और ये देखिए आप बम्पर वगैरह आगे के कुछ नए शेप में। और यहाँ पर दो वाइपर, दो वाशर मिलेगा, ग्लास आपका सामने का कांच यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ORVM और ब्लिंकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉडी कलर पर। और साइड प्रोफाइल को आपने पहले ही दिखा दिया, इसमें आपको मिलेगा एलॉय व्हील। अब यहाँ पर जो पिलर है भाई, ये देखो आप, इसके अंदर अभी आपको फीचर क्या मिलेगा इस मॉडल में सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बेस से लेकर टॉप तक प्राइस भी। ये आप देखते पिलर आपका ये ब्लैक रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको सब मॉडल का प्राइस पता चलेगा। यहाँ पर आपको ये मिलेगा डुअर गार्निश, देखो नीचे पूरा स्टील वर्क यहाँ पर आपको मिलता है। रूफ इस तरह से मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एंटीना, स्पॉयलर दिया गया है पीछे, और यहाँ पर आपको मिल जाता है ये देखिए आप। ठीक है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफोगर, वाइपर, वाशर सब मिल जाएगा। और रिवर्स में आपको कैमरा भी दिया गया है। एस की बैजिंग, बलेनो का बैजिंग यहाँ पर, और यहाँ पर नेक्सा, और उसी के नीचे ये है आपकी ब्रेक लाइट, और यहाँ पर ये है ब्रेक लाइट, ये आपका रहेगा डे टाइम, डे रनिंग टाइम लाइट यानी DRL, ये पूरा आपका LED रहेगा। ये आपका लेकिन बल्ब है, रिवर्स लाइट भी बल्ब पर रहेगा। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी आपका मिल जाता है इस गाड़ी में, रिफ्लेक्टर यहाँ पर, यहाँ पर आपको सेंसर मिलेंगे, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर है, यहाँ पर आपका नंबर प्लेट है, यहाँ पर इसकी बैजिंग, यहाँ पर भी पूरा इस तरह से लुक आएगा इस गाड़ी का। तो गाड़ी की अगर हम बात करें भाई, तो एक नंबर का सीन देती है ये गाड़ी। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इसमें बूट स्पेस कितना मिलता है। ये देखिए आप, हाइड्रोलिक वाले रहते हैं इसके, और यहाँ पर स्पेस आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है भाई। यहाँ पर आपको लाइट भी दी गई है इस केबिन में, देख रहे हो आप ये। तो इसमें कई सारे वेरियंट आएंगे, अल्फ़ा, सिग्मा, जेटा, डेल्टा, तो कई सारे यहाँ पर आपका मिलता है वेरियंट इसमें। और ये आप देख सकते हैं बूट स्पेस 318 लीटर का दिया गया है, एकदम बड़ा, चाहे जैसा फैमिली प्लान बनाओ अच्छा खासा टूर एंड ट्रेवल आप कर सकते हो। और यहाँ पर हेडलाइट का जो सेटअप है, इस तेल लाइट का बिल्कुल नया, और हेडलाइट का भी सेटअप नया है जो आपने स्क्रीन पर देख लिया है। फ्यूल टैंक यहाँ पर आपका इस तरह से मिल जाता है, जो कि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 37 लीटर पेट्रोल आएगा इस गाड़ी में। यहाँ पर भी आपको एलॉय देखने को मिल जाती है, और चलिए यहाँ पर भी आप देखेंगे तो डुअल गार्निश पूरी गाड़ी में दिखता है। अब बीच में यानी कि सेकंड रो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है, पियानो फिनिशिंग, और यहाँ पर आपका सॉफ्ट टच लेदर फिनिशिंग का भी वर्क मिलेगा। स्पीकर, बोतल की रखने की जगह, डुअल लीवर इस तरह से। रियर में भाई AC वेंट भी मिल रहा है, क्या बात है बलेनो। और यहाँ पर आपका 3-3 हेडरेस्ट, 3-4 लोग आराम से बीच में बैठ सकते हैं। स्पेस इस तरह से आपका आएगा, स्पेस तो एक नंबर दिया है। यहाँ पर आपका USB और टाइप सी चार्जिंग भी मिलेगा, ये देखिए। तो चाहे मोबाइल भी रखने की जगह है, AC भी चला लो भैया मस्त जैसे चाहो। आगे आर्मरेस दिया गया, वो भी एडजस्टेबल है। ऊपर आपका लाइट भी दी गई है। और आप चलिए आगे आपको दिखाते हैं, तो डोर का जो लीवर है ये क्रोम रहेगा, सेंसर दोनों मिलेंगे आगे। ये रहा को ड्राइवर के साइड का डोर, एक नंबर लुक देता है, ये देखिए आप देख रहे हो। नंबर वन पियानो ब्लैक फिनिशिंग, स्पीकर चार आपको मिल जाते हैं, दो ट्विटर भी मिल जाएगा। SRS के दो एयरबैग हैं, ये आपका ग्रे कलर, यहाँ पर आपका ब्लू कलर का मिलेगा। AC बैंड देखो, वहाँ पर आपका पियानो फिनिशिंग है, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये आपका ऑटोमेटिक वाला मॉडल है, और AC जो है वो भी ऑटोमेटिक मिलेगी। फैब्रिक वाली सीट दी गई है, स्पेस एक नंबर का रहेगा, ये देखिए।
ऑटोमेटिक एसी यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए आप, ठीक है। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव यहाँ पर आप पूरा मैनुअल मोड, ये आपका रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपका यूएसबी चार्जिंग है, 12 वोल्ट सॉकेट है, ऑटोमेटिक एसी क्लाइमेट है। अब इसके अंदर भाई आपको मिलेगा 7 इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, ज़बरदस्त टच स्क्रीन रहेगा और इसमें एप्पल एंड एंड्रॉयड दोनों रहेगा। और यह है हैजर्ड स्विच, लाइट भी इसमें जलता है। एसी बेंट देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर आपका सिल्वर फिनिशिंग के साथ। ये रही स्क्रीन जो कि आप देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग एंड बीच में एमआईडी रहेगा। सेंटर पे इसकी बैजिंग और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। म्यूजिक कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं और कॉल मिस कॉल ब्लूटूथ यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। मेन डोर पर सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। ये रही इसकी चाबी, ये देखिए। चलिए दूसरी साइड से हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या मिलेगा इस गाड़ी में। और मेन डोर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, ठीक है दोनों। अब ये देखिए मेन जो है यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर आपका ये चारों पावर विंडो को कंट्रोल दिए गए हैं। पियानो फिनिशिंग, लेदर फिनिशिंग है, सॉफ्ट टच का यहाँ पर पूरा लुक दे सकते हैं। बोटल और यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर आप देखते हैं स्पीकर, डोर लीवर बढ़िया क्रोम का, स्पी और ट्विटर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एसी बटन दे सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट रहेगा बढ़िया, और ट्रैक्शन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन ये रहेगी, इस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। ये देखो आप, और यहाँ पर देखो रिवर्स गियर लगा है तो इसमें आपका रिवर्स कैमरा दिखा रहा है। कैमरे क्वालिटी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ठाक है फिलहाल। यहाँ पर आपका मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपका लाइट भी जलेगा स्टेयरिंग पे, इस तरह से ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। एसी आप देखते हैं ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पर आपका गियर लीवर पूरा वगैरह आप देख सकते हैं। सीट एडजस्टेबल रहेगी। ये रहा इसका पूरा इंटीरियर, तो इंटीरियर आप देख सकते हैं एक नंबर का इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी में, ठीक है। और ये जो है डुअल टोन फिनिशिंग के साथ इंटीरियर रहेगा, तो इंटीरियर जो है वो बहुत ही गजब का है इस गाड़ी का। तो यहाँ से माफ कर देते हैं, पूरा इंटीरियर आप देख सकते हैं, ये रहा। और बीच में जो है सेकंड रो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस, और ये आपका डोर इस तरह से आने वाला है, देखिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस गाड़ी में इंजन कितने सीसी का है, माइलेज कितना देने वाली है कार, और इसकी प्राइस क्या है, इसी की नहीं बेस से लेकर टॉप तक। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए इस गाड़ी का पूरा लुक। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिग्मा मॉडल की, यानी बेस वेरिएंट। 7,81,000 रुपये से बलेनो स्टार्ट होती है। अगर आपके पास 7.5 लाख रुपये, 8 लाख के अप्रॉक्स लगभग है, तो आप बलेनो में जा सकते हैं, बलेनो आप ले सकते हैं। 7,81,000 से स्टार्टिंग है। अब उसके ऊपर फिर आएगा 9,82,000 रुपये, और उसके बाद आएगा आपका डेल्टा, आएगा AGS, और ये आपका आएगा समझ लो 9,28,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में डेल्टा। उसके बाद फिर जेट आएगा, वो आएगा फिर आपका 9,80,000 रुपये, और अल्फा आएगा 10,79,000, जेट आएगा 10,14,000 रुपये, डेल्टा आएगा 9,82,000। कई सारे वेरिएंट आते हैं, सभी के आपको हमने प्राइस भी बता दिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।